गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के टाइप फोर को देखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलने से पहले हम लोग देख लेते हैं इस टाइप में हम किस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस टाइप में हम देखेंगे टाइम और एफिशिएंसी बेस के क्वेश्चन को, यानी कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया जाएगा मैक्सिमम टाइम उसमें एफिशिएंसी और टाइम की बात की जाएगी। ठीक है, तो हमने एक पढ़ाया था जब स्टार्टिंग किया था टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो हमने बताया था ना समय बराबर क्या होता है कार्य बटे क्षमता होता है, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अगर वर्क को कांस्टेंट कर दिया जाएगा तो जो टाइम होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एफिशिएंसी के, और जो एफिशिएंसी होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितने हो जाएगा, टाइम के। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। ठीक है, काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दोनों के समय का अनुपात क्या होगा, यानी दिनों का अनुपात क्या होगा या समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो दिया गया है पी और क्यू, यानी पी और क्यू का अनुपात दिया गया है समाप्त करने के लिए, पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात यानी कि एफिशिएंसी का क्षमता का अनुपात दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, 3:4, यानी आप बोल सकते हैं 3:4। तो उनके दिनों का अनुपात पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है जब क्षमता का ये हो गया तो समय का अनुपात यानी टाइम का तो क्या करना होगा। बिल्कुल देखिए क्या करेंगे, जब ये एफिशिएंसी 3/4 है तो जस्ट टाइम क्या होगा, इसी का रिवर्स होगा ना, क्योंकि समय जो होता है, देखिए एफिशिएंसी अगर दिया है तो समय क्या होता है, इसी का इनवर्सनली होता है, यानी इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहां से क्वेश्चन को लगाए तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो एफिशिएंसी होगा, ध्यान समझिएगा, अगर हम देखें कि समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/ क्या है, किसके क्षमता के है, तो 1/ क्षमता का वैल्यू दे रखा है, क्षमता क्या है 3/4 है। अगर 3/4 रखेंगे तो ये 4 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, जिसे हम बोलेंगे 4/3। यानी सिंपल सी बात आपको ये याद रखना है, अगर क्षमता 3/4 है तो जस्ट इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, जो कि 4/3 हो जाएगा, यानी पी और क्यू के दिनों का अनुपात हो जाएगा 4:3, यानी 4:3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, एक किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, तो बी अकेला कितने समय में काम खत्म करेगा। तो देखिए दिया गया है कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में, तो कहेंगे 6 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, और दिया गया है देखिए क्षमता का अनुपात दिया गया है इनके एफिशिएंसी का, तो आप लिख लेंगे ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया गया, बोला गया है कि बी की क्षमता कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, यानी जो बी की कार्य क्षमता है वो ए से किससे तुलना किया गया, ए से क्या है 25% अधिक है, यानी ए से क्या है 25% मोर देन है। तो अब कहेंगे यहां से क्या करेंगे, अगर हम मान ले देखिए परसेंटेज कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें, अगर ए की वैल्यू 100 होगा तो बी क्या है ए से 25% अधिक, यानी 25% मोर देन है ना किससे, बी से। तो अब सॉरी 25% मोर देन है किससे, ए से। तो अगर हम देखेंगे 25% है तो 100 में 25% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और इसके समय का या इसे कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल करेंगे 25 से कैंसिल करेंगे, या 4 टाइम से कैंसिल होगा 25 से, कितनी बार में 5 टाइम से कैंसिल होगा, यानी इनके एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 4:5। अब इनके टाइम का रेशियो देख लेते हैं, यानी समय का, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो कहेंगे इसी का अपोजिट हो जाएगा 5/4। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया ए किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, तो अगर यहां से देखा जाए ए का जो समय है वो कितना है 5 है, यानी ए किसी कार्य को 5 दिनों में करेगा, और बी कितने दिन में करेगा 4 दिन में करेगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं गया, क्वेश्चन में यह बताया गया है जो आपका ए है वो किसी कार्य को 6 दिन में करता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए अगर 5 की वैल्यू 6 हो गई तो आप ये बोल सकते हैं 5 यूनिट किसको दर्शा रहा है, 6 को, 5 यूनिट की वैल्यू, इसे 5 यूनिट मान लेते हैं, 5 यूनिट इसको दिखा रहा है 6 को, तो 1 यूनिट कितने को दिखाएगा, तो कहेंगे 6/5 को। ठीक है, तो 1 यूनिट 6/5 को, तो 4 यूनिट, क्योंकि 4 यूनिट की वैल्यू पूछा गया, तो 4 यूनिट आपका दिखाएगा 6/5 × 4, इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24/5, या 5 से कैंसिल करेंगे 4 होल 4/5,
यानी 4 होल 4 बाय 5, यानी अगर बी कार्य करेगा तो बी को समय लगेगा 4 होल 4 बाय 5 डेज। कंफर्म है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, ए बी से 20% कम काम करता है यदि ए किसी काम को 7/1/2 घंटे में समाप्त करता है तो बी कितने घंटे में काम को समाप्त करेगा। तो कहने का मतलब यहां पे क्षमता पहले लिख लीजिए। क्षमता के बारे में क्या बताया गया है? तो बोला गया है ए की जो क्षमता है वो बी से क्या है, 20% कम है, 20% क्या है, कम है। ठीक है, 20% कम है, यानी 20% आपने कम कर लिया तो ये वैल्यू हो जाएगा। इसे अगर 100 मानेंगे, कंपेयर किया ना ए को कंपेयर किससे किया, बी से, तो बी को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। जब ये 100 हो जाएगा तो 100 का 20% निकालेंगे और इसमें कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 80। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो आप डिवाइड करेंगे 20 से, या 4 टाइम्स से कट जाएगा और ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स से कट जाएगा। तो आप बोलेंगे जो आपका क्षमता होगा वो क्या हो जाएगा, 4/5। क्षमता क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, आपका क्षमता हो गया 4/5। अच्छा, समय देख लेते हैं। तो समय क्या होगा, कहेंगे इसी का अपोजिट 5/4। अब क्वेश्चन में दे रखा है ए किसी कार्य को 7/1/2 घंटे में करता है, यही है ना क्वेश्चन, बोला गया 7/1/2 घंटे में समाप्त करता है ए। तो देखिए एक कार्य यहां पर 5 में, लेकिन समाप्त किससे कर रहा है, 5 में, और बी कितने करेगा, 4 में करेगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए ए जो है वो कार्य समाप्त करेगा कितने में, 7/1/2 में, यानी 5 यूनिट की वैल्यू फिर दिया गया। 5 यूनिट की वैल्यू 7/1/2 है, जिसे कैलकुलेट करेंगे 15/2 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगा, तो 15/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 से 3 टाइम्स में, कहेंगे 3/2 हो गया। ठीक है, तो अब 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें, इसी 3/2 से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 आवर। ठीक है ना, 4 से 2 कटेगा, 2 बचेगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6 घंटे में, यानी 6 घंटे में बी अकेले कार्य करेगा तो उसे कार्य करने में 6 घंटे का समय लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे। यानी कि बात कर रहा है कि जो इफिशियंसी है किसकी, ए और बी की, यानी ए की जो इफिशियंसी है वो बी से क्या है, बी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, यानी बताया गया ए की इफिशियंसी जो है वो बी की इफिशियंसी क्या है, 3 टाइम्स है, यानी 3 टाइम्स है। यदि हम कहें, यदि हम ये बोले कि बी की इफिशियंसी 1 है तो बी का 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 1 अगर ये 1 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनके टाइम का देख लेते हैं रेशियो क्या हो जाएगा, इनके टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/3। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में समाप्त करता है, यानी ए जो है, देखिए जब जाहिर सी बात है ए की जो इफिशियंसी है वो बी से क्या है, अधिक है। जब जिसकी इफिशियंसी अधिक होता है उसे कार्य करने में कम समय लगता है। तो अगर यहां पर देखा जाए बी जो कार्य कर रहा है उसके लिए 3 यूनिट है और ए जो कार्य कर रहा है उसके लिए 1 यूनिट है, यानी ए कम समय में कार्य कर रहा है ना। तो अगर यहां पर देखा जाए कितने कम समय में कार्य कर रहा है, तो बोलेंगे 2 यूनिट जो है कम समय में ये कार्य कर रहा है, कौन, ए, किससे, बी से। ठीक है, क्योंकि ये 1 इसका 3, यानी कम कितना लिया, 2 लिया। अब वही क्वेश्चन बोला गया है ए जो है बी से 60 दिन कम समय में कार्य कर लेता है, यानी कि यहां 2 यूनिट की वैल्यू बताया गया 60 है। ठीक है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो यहां पे ये पता है कि इन दोनों का अंतर तो 2 आया, जो कि क्वेश्चन में बताया गया किसके बराबर, 60 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 30। अच्छा, 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो गया, तो यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 30 से, क्योंकि 1 यूनिट 30, तो ये तो 30 हो जाएगा, और वही 30 से यहां मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, 30 डेज में, और बी किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, कहेंगे 90 डेज में, 90 दिन में। अब बोला गया क्वेश्चन में दोनों मिलकर एक साथ करें कार्य करें तो कितना समय लगेगा, तो सिंपल सी बात है, इसके बाद तो आप लोग कैलकुलेशन करना जानते हैं। दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 90 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी दोनों का टाइम पूछा गया है, तो टाइम निकाल लेते हैं हम। तो वर्क कितना किया, 90 किया, और दोनों की इफिशियंसी 3 और 1 4,
ठीक है, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 22 होल 1/2 डेज आ जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर जो कार्य करेंगे 22 से ही 1/2 दिन में कार्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। अच्छा ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 150% अधिक है, तो ए अकेले काम को कितने समय में करेगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहां पर दिया गया है ए और बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो इनको कितना समय लगेगा, 15 डेज का। अच्छा, और क्या बताया गया, एफिशिएंसी बताया गया, तो एफिशिएंसी लिख लेते हैं यहाँ पे। एफिशिएंसी के बारे में क्या बोला गया, ए और बी लिख लेते हैं। बोला गया क्वेश्चन में कि ए की कार्य क्षमता 20 से 150% अधिक है, यानी कि ए के एफिशिएंसी की तुलना बी से किया गया है जो कि 150% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से, ए की कार्य क्षमता 20 से 150% अधिक है। अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, अब ये हो गया, इसके टाइम का रेशियो देख लेते हैं, टाइम का रेशियो क्या होगा। तो पहले इसको कैंसिल कर दीजिए, अगर इसको 50 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, और ये 50 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, यानी एफिशिएंसी हो जाएगा 5/2। टाइम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2/5 हो जाएगा। अच्छा, अब समझिएगा बात को। अब ए और बी जो है दोनों मिलकर कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं, तो हम क्या निकालें कि ए और बी ने जो कार्य किया है वो कार्य कितना है, क्योंकि हमें तो पता है कि ए की एफिशिएंसी, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा ना ए कार्य अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा, ए को अकेले कार्य करने में समय कितना लगेगा, यानी ए आपसे पूछा गया है। तो ए की एफिशिएंसी तो हमें पता है ना 5 है, तो हमें पता है एफिशिएंसी 5 है, टाइम पूछा गया तो टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, तो वर्क तो हमें नहीं पता है, वर्क निकालेंगे कैसे, निकालेंगे समझिएगा। अच्छा, ए प्लस बी यानी दोनों ने जो 15 दिन में कार्य खत्म किया, तो 15 दिन में इन्होंने कुछ ना तो कुछ कार्य किया होगा, तो कितना कार्य किया वो निकाल ले, वही आपका कुल कार्य होगा। तो देखिए ए प्लस बी का क्या करेंगे, कुल वर्क निकालेंगे, यानी कि टोटल वर्क निकालेंगे, ए और बी का टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा था वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो कहेंगे टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी समय गुणे क्षमता, समय गुणे क्या होता है, क्षमता होता है। तो टाइम की वैल्यू देख लिया जाए तो टाइम कितना लगा, तो 15 डेज का लगा, और दोनों ने कार्य किया ना, ए और बी दोनों ने कार्य किया, तो इनकी एफिशिएंसी क्या है, 5/2, 7। ठीक है, दोनों ने कार्य किया, दोनों की एफिशिएंसी ऐड करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये वैल्यू कितना हो गया, तो ये वैल्यू आपका हो गया 105। अब हम टाइम देख लेते हैं, अगर एक कार्य करेगा तो एक को टाइम क्या लगेगा, तो टाइम इक्वल टू वर्क कितना है, 105, क्योंकि वर्क कितना हुआ 105, यानी 105। ठीक है, अच्छा एक का टाइम पूछा गया तो वर्क 105। अब एफिशिएंसी देख लेते हैं, तो एक एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे जो कि कैंसिल होगा 21 टाइम्स में, तो आप बोलेंगे कि एक को अकेले कार्य करने में 21 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 पे चलते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुना समय में तथा सी की तुलना में 3 गुना समय में करता है, यदि तीनों मिलकर काम को 1 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे समय दिया गया है, यहाँ पे क्षमता नहीं दिया गया है, ठीक है ना। कहा गया है ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में कर लेता है और सी की तुलना में 3 गुने समय में कर लेता है, और तीनों मिलकर कार्य जो कंप्लीट करते हैं वन डेज होता है, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे कुछ बना लेते हैं फॉर्मेशन। देखिए ए और बी की बात किया है, बोला है ए किसी कार्य को बी से 2 गुने समय में कर लेता है, अगर ये 1 गुना हुआ तो कितना हुआ, 2 गुना हुआ। कहने का मतलब कि अगर ये एक, इसका वैल्यू 1 होगा समय का, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 गुना है। अच्छा, और बोला गया सी से 3 गुने समय में कर लेता है, यानी सी से 3 गुने समय में कर लेता है, अगर ये 1 किया सी, अगर सी 1 किया तो 1 कितना करेगा, 3 गुना समय, यानी 3 समय लगेगा या 3 यूनिट समय लगेगा। अच्छा, एक बात समझिएगा आप सभी लोग, देखिए ए का समय तो 1 ही होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, समय अलग अलग है, तो इस समय को क्या करेंगे, 1 करेंगे, इक्वल करेंगे, तो इस समय को इक्वल करने के लिए इसमें 3 से इसमें क्या कर दे, 2 से इसमें 3 से इसमें इसी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी तो 3 टाइम्स होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। अब फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 और इसका क्या हो जाएगा, 6 और इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये तो हमारा टाइम है ना,
ये हमारा क्या है, टाइम है, समय है। तो ए को देखिए, ये ए है, बी है और सी है, ए बी और सी लिख लेते हैं, ठीक है। ए को टाइम लगा 6, बी को टाइम लगा 3 और सी को टाइम लगा 2। इनका क्या करेंगे, टाइम है तो हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 से 6 डिवाइड होगा 1 टाइम्स में, 3 से 2 टाइम्स में, 2 से कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स में, ठीक है। तो अब आगे देखिए, बोला गया है कि कार्य करने में, यानी तीनों कार्य करते हैं तो इनको एक दिन का समय लगता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से कि वन डेज का जो कार्य लग रहा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का, क्या जो क्वेश्चन दिया गया वो सही है, कैलकुलेट करेंगे वन डेज आएगा। तो बोला गया अगर ए अकेले कार्य करेगा तो कितना समय लगेगा, तो ए का चेक कर लेते हैं, ए का टाइम। तो देखिए कार्य कितना करेगा, 6, क्योंकि टोटल वर्क 6 है, और ए करेगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी, 1 है। तो ए को इसको वर्क करने यानी कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो बोलेंगे कार्य करने में टोटल इसे 6 डेज का समय लगेगा, या जो टाइम लगेगा वो 6 डेज का लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ए बी तथा सी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, ठीक है, यहां पर दिया गया ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो इनको कितना समय लगता है, 6 दिन का समय लगता है। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, और सी की 3 गुनी है, तो सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो पिछले क्वेश्चन में समय दिया था, यहाँ पे क्या दिया गया, क्षमता दिया गया तीनों का। तो देखिए कहा गया है तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो इन्हें 6 दिन का समय लगता है, और बोला गया है देखिए ए बी और सी बना लीजिए, बोला गया ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से क्या है, 2 गुनी है, बी से 2 गुनी, यानी एक हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बोला गया बी की 2 गुनी और सी की 3 गुनी है, यानी ये सी की कितनी है, 3 गुनी है। ये क्षमता की बात हो रहा है, अब क्षमता दिया गया, यानी एफिशिएंसी अब दे रखा है इसने, तो अब क्या करेंगे, अब रेशियो बनाएंगे। तो सेम इसमें 3 से, इसमें 2 से, यानी इसमें 2 से और इसमें क्या हो जाएगा, 3 से, क्योंकि 3 3 2 2, अब ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा, 6 और ये कितना हो जाएगा, 2। आगे क्वेश्चन में पूछा गया तो सी अकेले कार्य करेगा तो कितना समय लगेगा, यानी सी को अकेले कार्य करना है तो टाइम कितना लगेगा, ये पूछा गया, ठीक है। तो पहले आप ये फाइंड कर लीजिए कि टोटल वर्क कितना है, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा टोटल वर्क तभी तो आप बताएंगे नहीं सी को कितना समय लगेगा, सी की एफिशिएंसी तो पता है ना 2 है, लेकिन क्या आपको कार्य पता है, नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, यहां से वर्क निकालेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि हम यहां से क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या होता है आपका, तो कहेंगे वर्क इक्वल टू होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो अब देखिए टोटल वर्क बराबर क्या मिलेगा हमें, तो टाइम कितना लगा, तीनों ने कार्य किया तो समय कितना लगा, 6 लगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा हम क्या करते हैं, टाइम इंटू एफिशिएंसी करते हैं, तो एफिशिएंसी हमारा कितना होगा, तो 3 प्लस 6 प्लस 2, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी लिखा जाएगा यहां पे। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 6 इंटू ये हो जाएगा 11, यानी आप बोल सकते हैं 66, ठीक है। तो अब 66 आपका टोटल वर्क है, अब सी अकेले कार्य करेगा तो आप खुद कैलकुलेट करते हैं सी का टाइम क्या हो जाएगा, तो वर्क कितना है 66 और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 डेज, यानी सी को अकेले कार्य करने में 33 दिन का समय लगेगा। अब वर्क के टाइप 4 के क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा जो टाइम एंड एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और टाइम एंड वर्क का जितना भी अभी तक मैंने पार्ट कराया है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए धन्यवाद।